वृश्चिक राशि के महानुभावनाएँ पहले साढ़े साती का क्रम होगा फिर पराक्रम भावस्थ रहे शनिदेव और उसके बाद में जो क्रम शुरू हुआ 2022 के कुछ अंतराल में और 2023 की शुरुआत से वो शनिदेव की ढैया के साथ गतिमान रहा परंतु साढ़े साते के बाद जब भी ढैया आती है तो वो सकारात्मक संघर्षों की प्रतिध्वनि को लेकर आती है और शनिदेव चतुर्थ भावस्थ अवस्था के साथ में ऐसे अंतराल में गतिमान होते हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव हृदय भाव चंद्रमा के कारकत्व की स्थितियों को उजागर करता हुआ भाव शनिदेव यहाँ से तीसरी दृष्टि से ष्ठ भाव को सातवीं दृष्टि से दशम को और दसवीं दृष्टि से प्रथम भावस्थ क्रम को देखने वाले हो जाते हैं यानी कि मंगल राशि स्थान के साथ में अपनी स्थितियों को दृष्टिगोचर आधार पर भी रखते हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो ष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान रही देवगुरु बृहस्पति भी ये हमेश राशि स्थान में रहे एक मई 2024 से देव से देवगुरु बृहस्पति भी राशि अंतराल को परिवर्तित कर रहे हैं और वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले होंगे तो जब भी ढैया अपने अंतिम चरण के साथ में हो और वो भी चतुर्थ भावस्थ क्रम की अवस्थाओं को लेकर हो तो ये स्पष्टता रखनी चाहिए कि एंग्जाइटी धीरे धीरे हटने वाली होती है जो एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आप अपने वर्किंग फ्रेम में देखना चाह रहे हैं वो यहाँ सामने बहुत ज़्यादा प्रेशर जो आपके काजी का स्तर पर भले ही नौकरी हो चाहे व्यापार बना हुआ था रुपए पैसे को लेकर भी जो आवक यहाँ ठंडक के साथ में थी वो तीव्रता नहीं आ पा रही थी वहाँ पर भी सकारात्मक स्पंदन स्पष्ट रूपेण सामने निकल कर आने वाला हो जाता है इस अंतराल क्रम के साथ में चलते हुए स्पष्टता इस बात की भी रहने वाली होगी कि आपके लिए जो भी अर्थतंत्र में अटके हुए मामलात हैं उसमें पुनः तेज़ी निकल कर आ सकती है इस अंतराल में कोई भी आप कंस्ट्रक्शन को रिलेट करते हुए डिसीजन में एक लेट लतीफ़ी देख रहे थे दुविधाओं के क्रम देख रहे थे वहाँ पर भी सुधार के सम्यक संकेत आपके समक्ष रहने वाले हो सकते हैं मूल रूपेण पराक्रमेश भी चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है इसी वजह से गौर कीजिएगा कि हृदय संबंधी रोगों से उसमें भी पल्पिटेशन जैसे अप्रोच से बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयत्न करें तीसरी दृष्टि जो षष्ठ भाव पर है और एक मई से जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम भावस्थ क्रम में आ जाएंगे स्पष्टता इस बात के निकल कर आती है कि शत्रुपक्ष अब हावी नहीं है परंतु उनके साथ में विचारोत्तेजक संघर्ष अभी भी रह सकते हैं दूसरे क्रम में कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से जितना संभल कर आप चलने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी की प्रतिध्वनि आपके समक्ष निकल कर आती चली जाएगी इसमें कोई भी दुविधा के मानक उपस्थित नहीं याद रखिएगा कि यहाँ यात्राओं से संबंधित कार्यों में आलस्य ठीक नहीं है इस एक वर्ष के क्रम में ऐसी अवस्थाओं में आलस्य निकल कर आ सकता है उसे दूरी बनाइएगा नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन को आप अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं तो जो एक कंफर्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए जिसके साथ में व्यक्ति बहुत अच्छे से चल पाता है आसानी से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा पाता है वहाँ पर कमतरी के संकेत अभी भी उजागर रहने वाले हो सकते हैं इसे बिल्कुल भी इनकार नहीं करते दूसरे अवस्था क्रम के साथ में ये गौर करते हुए चलिएगा कि आपके लिए भागदौड़ के मध्य यहाँ खुद को स्थिरवादी रखने की आवश्यकताएँ पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहने वाली होंगी इसका सीधा सीधा अर्थ और आशय यही है कि आपके लिए जीवन ऊष्मा में चलता हुआ ये अंतराल कई बार थकावट देने वाला हो जाता है और व्यक्ति जब भी परिवर्तन की ओर जाता है और कार्य में जिस ऊर्जा को देखना होता है उसमें कमी की ओर जाने वाला होता है इसी वजह से कोई भी चेंज की ओर जा रहे हैं अपने रिफ्लेक्शंस के साथ में यहाँ कॉर्डियल बेस बनाकर रखिएगा थोड़ा सा स्लो अप्रोच जो आ रही है उससे खुद को कहीं पर भी आप विचलित करने वाले नहीं रहे पराक्रमेश शनिदेव जो चतुर्थ भाव में सातवीं दृष्टि से दशम भावस्थ क्रम को देखने वाले होंगे आपके लिए आजीविका के नए माध्यम विकसित होने वाले हो सकते हैं परंतु उसमें कहीं पर भी आकस्मिक धन लाभ की यात्राएं आपके समक्ष नहीं है थोड़ा सा धीमापन वहाँ पर रहने वाला हो सकता है माता पिता के साथ में संवाद कौशल की स्थितियाँ पूर्ण रूपेण बनाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा ये वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको पिता के कामकाज में कहीं न कहीं बेहतर अवस्थाएं प्राप्त हो सकती है जो लंबे समय के लिए जाकर आपके लिए एक आकस्मिक लाभ के योगा योग को भी बनाए और आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाली हो उस और आप स्वयं को फ्रेम करने वाले हो सकते हैं चतुर्थ भावस्थ शनिदेव की वजह से यहाँ पुरानी जमीन से संबंधित कार्यों में काफ़ी हद तक बेनिफिट की अप्रोच आपको मिलने वाली हो सकती है इस बात की भी स्पष्टता अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा कि मन के भीतर जो विकार लंबे समय से उपस्थित थे वो विकार भी अब धीरे धीरे हटने की तैयारी के साथ में चलायमान है स्पष्टता भरे संकेत समक्ष निकल कर आते चले जा रहे हैं शनिदेव की दसवीं दृष्टि जो प्रथम बावस्थ क्रम पर रहेगी आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने वाला होगा साथ ही साथ में इस एक वर्ष की प्रक्रिया के साथ में चलती हुई डैया का क्रम उतार चढ़ाव अभी भी दे सकता है किसी कार्य में देरी आई आप विचलित हुए परंतु अगले ही दिन समाचार मिले कि आपके लिए शुभता भरे संकेत हैं और वो कार्य पूर्णता की ओर अग्रगामी है ये अवस्था विशेष यहाँ आपके समक्ष स्पष्टता नजर आती है गृहस्थ पक्ष के साथ में वैचारिक मतभेद में अब धीरे धीरे कमी आने वाली होगी क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भी शुक्र राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे दूसरी तरफ शनिदेव की स्थितियाँ भी जो एक तरह से चार दस का संबंध स्थापित कर रही है और शनिदेव उनतीस जून से जो वक्रगत आधार को चेष्टा बल को प्राप्त करेंगे चार दस का संबंध गृहस्थ भाव के साथ बनाते हुए आपके लिए स्पष्ट रूपेण बेहतरी के संकेत यहाँ है विदेश संबंधी कार्यों में अभी भी हल्के फुल्के तौर के ऊपर आपको रोकना पड़ सकता है उसे संभलिएगा वृश्चिक राशि के महानुभाव प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर इस बात का ख्याल रखें कि आपको ध्यान के प्रक्रियाओं की ओर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए जीवन के सारे ही सरे चमकृत तौर के ऊपर वहाँ से बेहतरी को उजागर करने वाले होंगे रुकावटें कहीं पर भी विचलित करने वाली नहीं है हनुमंत उपासना के साथ में जीवन यात्रा को लेकर चलिएगा व्यापारिक जीवन में इस एक वर्ष में नया अर्थतंत्र का भार बढ़ाने से बचना आपके लिए अतीब आवश्यक है अन्यथा गफलतों भरे सिरे आपके समक्ष स्पष्ट रूपेण निकल कर आने वाले हो सकते हैं आध्यात्मिक तौर पर जो प्रगति के प्रतिबिंब है वो यहाँ पर आपके भीतर की अवस्था को और अधिकत वगामिता देने वाले होंगे मुख्य बात यह है कि व्यापार हो चाहे नौकरी पेशा जीवन कुछ हद तक देरी के सार गर्भित क्रम अभी भी आपके समक्ष मौजूद रहने वाले हो सकते हैं वहीं से खुद को संभाल कर चलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी जो महानुभाव यहाँ कोई भी प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे मन माफिक स्थान परिवर्तन की अवस्थाओं को अपने समक्ष देख कर चलना चाह रहे थे उनके लिए भी यहाँ कहीं न कहीं दुविधाओं के हल्के फुलके घेरे अंकित रहने वाले हो सकते हैं इस एक बात की भी स्पष्टता अपने साथ में बनाकर रखने का आप किंचित प्रयत्न जरूर कीजिएगा और वहीं से क्रिस्टल करियर अप्रोच में अगले डेवलपमेंट के मेजर्स भी एस्टेब्लिश होते चले जाएंगे परंतु रुकावटें और बाधाएँ यहाँ कुछ हद हाँ तक पशुपेश में आपको रखने वाली हो सकती है उसे संभलने का प्रयत्न करें जो भी महानुभाव कमीशन संबंधी कामकाज में अथवा रेंटल इनकम के साथ में अपनी जर्नी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कहीं न कहीं वहाँ पर भी आपके लिए स्लगिश प्रोस्पेक्ट्स बने हुए हैं जिसमें धीरे धीरे ही एवॉल्विंग प्रोसेस निकल कर आने वाला रहेगा याद रखें कि मंगल प्रधान राशि के महानुभावों के लिए जो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की दोनों की दृष्टि क्यूमुलेशन में प्रथम भावस्थक्रम को देखने वाली होगी एक मई 2024 के बाद से वहाँ से आपके लिए पैसे इनकम सोर्सेज को जनरेट करने की जो एक स्ट्रेटजाइज करने वाली अप्रोच होती है वो सामने रहने वाली होंगी हम यहाँ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ की तो बात नहीं करते परंतु जो एक इवॉल्विंग प्रोसेस रहना चाहिए वो लगातार आपके साथ में बना हुआ है मेडिकल फील्ड के साथ में अथवा टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है परिवर्तन की स्वागत योग्य स्थितियों को अपने साथ आप क्रमबद्ध सिरे में लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा और व्यवस्थित तौर पर वहीं से आप वृद्धि के पूरे पूरे क्रमिक सिरों को अपने समक्ष देखने वाले रहेंगे इसे एक ताकत और इस एक बल को अपने साथ में गहराई से बनाकर रखने का प्रयत्न आप जरूर करें तो ये था वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए ढहैया के अंतिम एक वर्ष का चर्चा ब्यौरा हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे धन्यवाद एवं कोटिशह आभार